अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि मेगा स्कैन्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने टेक्सचरिंग वर्क फ्लो को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि अब तक मैंने आप लोगों को जो भी सिखाया था सब्सटेंस में कैसे टेक्सचर करते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं लाइक स्मार्ट मटेरियल्स और जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसे यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर ये बन गया। तो बेसिकली मेरे पास ये क्या एक बैरिकेड का एक मॉडल है, जो रोड ब्लॉकर या बैरिकेड जिसे आप कह लीजिए। तो इस तरह के मॉडल को हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग टेक्सचर करते हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब किसी भी तरह का, अगर मैं प्रोडक्शन लेवल की बात करूं तो जब हम लोग टेक्सचर करते हैं तो प्रोडक्शन वगैरह में क्या होता है कि हम लोग स्मार्ट मटेरियल को जितना हो सके कम यूज़ करते हैं। स्मार्ट मटेरियल का ज़्यादा काम हम लोग लेते नहीं हैं इससे। हम लोग क्या करते हैं, मेगा स्कैन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को मेगा स्कैन का ही यूजेज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप किसी भी बड़े प्रोडक्शन कंपनी में अगर आप चले जाएं, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ होते हैं, मैं छोटे मोटे जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो बड़े हैं जैसे टेक्निकलर हो गया या फिर डीनेक हो गया, फ्रेम स्टोर हो गया वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो लोग मेगा स्कैन से यूज़ करते हैं टेक्सचर को। तो चलिए आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगा कि मेगा स्कैन के सारे टेक्सचर्स को कैसे हम लोग सब्सटेंस के अंदर ला सकते हैं और फिर उससे हम लोग कैसे टेक्सचर कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास गूगल है और मैं गूगल में बस टाइप करने वाला हूँ मेगा स्कैन्स, मेगा स्कैन्स। तो ये आपका आ गया क्विक्सल मेगा स्कैन, इस पर क्लिक करें और आप चले जाए मेगा स्कैन में। तो ये आ गया मेगा स्कैन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि मेगा स्कैन्स बेसिकली होता क्या है। तो क्या है कि मेगा स्कैन जो है, ये बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसको क्विक्सल, जो मेन इसकी मदर कंपनी है क्विक्सल, जो है इसको ओन करती है मेगा स्कैन्स को। और ये बेसिकली एपिक गेम्स के साथ पार्टनरशिप में ये लोग काम करते हैं। एपिक गेम्स वही कंपनी है जिसने असैसिन क्रीड और इस जैसी कई सारी गेम्स बनाई हैं, और इसी एपिक गेम्स का ही बनाया हुआ एक और सॉफ्टवेयर भी है अनरियल इंजन, जो हम लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं इन फ्यूचर अनरियल इंजन का भी ट्यूटोरियल्स को डालूंगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेगा स्कैन्स का। तो मेगा स्कैन बेसिकली होता क्या है, तो मेगा स्कैन क्या होता है, देखिए आप इसमें लिखा हुआ है गेम्स, VFX, आर्क विज कहते हैं हम लोग, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, इन चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो एक्चुअल जो ज़मीन होता है, एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, ये देखिए इन्होंने जंगल बुक में भी काम किया हुआ है, तो जो एक्चुअल पत्थर ज़मीन होते हैं ना, इनका ये लोग क्या करते हैं कि स्कैन निकालते हैं। और स्कैन जो होता है बहुत ही हाई क्वालिटी स्कैन होता है, तो स्कैन से ही ये लोग टेक्सचर को क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनका जो टेक्सचर होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम हाई लेवल का होता है, मतलब क्या ही बताएं, बिल्कुल एडवांस लेवल का ये होता है टेक्सचर्स। तो ये सब क्या होता है, बेसिकली स्कैन्स होते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी कंपनीज में इन लोगों ने काम करा हुआ है। MPC, जिस पर मैं कभी काम किया करता था, MPC मेरी पुरानी वाली कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कंपनीज के साथ इनका टाई अप है, इनके साथ ही काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेगा स्कैन को आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये लोग पे करते हैं, लेकिन हम लोग कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें कुछ मत करिए, बस यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है साइन इन करने का। तो यहाँ पर देखिए साइन का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से साइन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दो तरह का ऑप्शन है, साइन विद क्विक्सेल और यहाँ पे है साइन विद एपिक गेम्स। तो क्या होता है, अगर आपने साइन इन करता है, आपने किया है क्विक्सेल से, साइन विद क्विक्सेल कर गया, तो आप याद रखिए आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये क्या होगा कि अगर आप साइन क्विक्सेल के थ्रू अगर आप साइन करते हैं तो ये आपसे हर एक टेक्सचर का पैसा चार्ज करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है साइन विद एपिक गेम्स में। आप यहाँ क्लिक कर लें, थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ देख लीजिए आपको ऑप्शन आ जाता है साइन एपिक गेम्स में साइन करने का। तो मैं जल्दी से साइन कर लेता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑलराइट। तो जैसा कि आप अपना साइन इन जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा मेगा स्कैन का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्सचर्स भी मिलेंगे और आपको कुछ 3D एसेट्स भी मिलेंगे।
तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इन 3D एसेट्स का, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली स्कैन्स होते हैं, ठीक है, स्कैन किए हुए मॉडल्स होते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किसी भी मॉडल को कैसे स्कैन करके आप उसके 3D मॉडल जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ये टेक्सचर्स हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ से कुछ टेक्सचर को डाउनलोड करूँगा और उसको अपने प्रोजेक्ट में ले जाऊँगा। तो फिलहाल इसका मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये बेसिकली एक बैरिकेड है। तो बैरिकेड क्या होता है, बेसिकली ये कंक्रीट का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से सरफेसेस में जाता हूँ और यहाँ से कंक्रीट चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, बहुत सारा कंक्रीट का हमारे पास टेक्सचर आ गया। तो मेरे जो मॉडल है, मॉडल के हिसाब से जो भी बढ़िया लगेगा, मैं उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आई गेस ये वाला कुछ ठीक लगेगा, ऐसा एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रेजोल्यूशन का। तो पहले तो आप रेजोल्यूशन को कम कर लें, मैं यहाँ 2K यूज़ कर रहा हूँ। और डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर जो गियर आइकॉन आप देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए, दो तरह का सेटिंग्स आपको मिलेगा डाउनलोड सेटिंग में, एक होता है मॉडल सेटिंग और एक होता है टेक्सचर सेटिंग। तो फिलहाल हम लोग मॉडल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मॉडल डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे टेक्सचर में, क्योंकि हम लोग टेक्सचर को डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहला आता है एल्बिडो, जिसमें चेक हम करेंगे। आपको पता है एल्बिडो जो है हमारा कलर के लिए यूज़ होता है। अगर आपको ये सारे चैनल्स और मैप्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने एक पूरे विस्तार से पूरे डिटेल में एक मैंने वीडियो बनाई है टेक्सचरिंग का, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि ये सारे जो चैनल्स होते हैं, ये क्या क्या काम कर क्या क्या काम करते हैं, किस काम के लिए आते हैं। आप उसे एक बार चाहें तो देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे एल्बिडो लूँगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और एम्बिएंट ऑक्लूजन की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेटलनेस मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बैरिकेड को बना रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कोई मेटल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मेटलनेस को ऑफ कर रहा हूँ। रफनेस मुझे चाहिए, फ़ज़ मुझे नहीं चाहिए, ट्रांसलूसेंसी की ज़रूरत नहीं, ओपेसिटी, ब्रश, ट्रांसमिशन किसी की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस ये एल्बिडो, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एंड रफनेस और ट्रांसलूसेंसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चार, उसके बाद बैक जाना है और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है और हमारा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस जैसा और भी दो चार मैं इस तरह से मेगा स्कैन से डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज ये वाला एक हो गया, एक इसे कर लेते हैं डाउनलोड। तो मेरे पास यहाँ पे दो आ गए हैं, तो मैं इन लोगों को क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप इन्हें बाहर निकालें, अनजिप कर लें। ये एक अनजिप हो गया, दूसरा इसको भी मैं अनजिप कर लेता हूँ। तो ये दो आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पे जाते हैं और देखिए हमारे पास ये सारे टेक्सचर्स आ गए। ठीक है, ये हमारा टेक्सचर है, ये बेसिकली स्कैन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, कलर, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल एंड रफनेस, इन चारों को पकड़ूंगा और क्या करता हूँ, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सब्सटेंस में। ठीक है, हाँ अब हुआ ये। और अभी क्या करेंगे, जितना भी मैंने लिया है इन सबको यहाँ से टेक्सचर 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 एंड टेक्सचर कर देंगे। ठीक है, ये अनडिफाइंड रहता है पहले कि आप ये जो आप लेकर आ रहे हैं, ये जो फाइल्स हैं, इन्हें हमें बताना पड़ता है सब्सटेंस को कि ये क्या है। तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं, अल्फा, कलर अलर्ट, इन्वायरमेंट और टेक्सचर, चार ऑप्शंस हैं। तो हमें यहाँ टेक्सचर में कर देना है और यहाँ पे इम्पोर्ट योर रिसोर्सेज। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ तीन ऑप्शंस होते हैं, करंट सेशन, प्रोजेक्ट और एसेट योर लाइब्रेरी। करंट सेशन का मतलब क्या है कि अभी के लिए ये आ जाएगा, लेकिन बाद में जब आप कभी नेक्स्ट टाइम जब सब्सटेंस ऑन करेंगे तो ये नहीं देखेगा, ये सारा टेक्सचर उड़ जाएगा वहाँ से। प्रोजेक्ट में क्या होगा, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसमें ही रहेगा, बाकी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ये टेक्सचर शो नहीं करेंगे। और लाइब्रेरी और एसेट्स में क्या है, ये हमेशा आपके सब्सटेंस में पड़े रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये करंट सेशन करके इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। तो हम लोग इसे करते कैसे हैं, सबसे पहले तो आप एक फिल लेयर ले लीजिए, ये आ गया हमारा फिल लेयर। और आप देख लीजिए फिल लेयर में ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो जो एक एक मैप्स है ना हमारा, जैसे एल्बिडो, एल्बिडो को कलर कहते हैं, उसको हमने उठा के डाल देना है। बेस कलर में हमने डाल दिया, हाइट के लिए मैं हाइट में डाल दूंगा, और बच गया हमारा रफनेस, रफनेस को रफनेस में डाल दूंगा, और हो गया हमारा नॉर्मल
नॉर्मल भी आ गया यहाँ पे। और बाकी जो चीज़ें नहीं है जैसे ओपेसिटी, इमिशन और मेटल, वो हमें हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में, तो हम लोग इसे ऑफ कर देंगे। और देखिए हमारे पास ये वाला आ गया स्कैन्स, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आया है बढ़िया से। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि आप चाहे तो इसकी टाइलिंग को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, तो मैंने करीब इतना कर लिया इसकी टाइलिंग को। और आप देख सकते हैं यहाँ बढ़िया सा आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग चाहें यहाँ पे तो हम लोग मल्टीपल जो टेक्सचर्स होते हैं उनको हम लोग मिक्स करके भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्सचर को मिक्स करके। कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास था और एक हमने ये वाला डाउनलोड किया था, तो इसे भी हम लोग यहाँ से ले जाएंगे। सब्सटेंस में ले गए, इसको यहाँ ले गए, इन सबको टेक्सचर 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 कर दिया, और यहाँ से टेक्सचर करंट सेशन एंड इम्पोर्ट, तो ये भी आ गया। तो हमें क्या करना है, ये वाला हमारा पहला था तो इसको हम लोग कर देते हैं बेस, सिर्फ बेस में लिख देता हूँ बेस, ठीक है। एक दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेरिएशन, तो ये वाला हमें वेरिएशंस के लिए चाहिए कि एक हमें मिल गया है टेक्सचर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसी टेक्सचर का वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हाइट में चला गया, ये वाला नॉर्मल में चला जाएगा, और ये हो जाएगा रफनेस में, और जो बाकी के हैं लाइक ओपेसिटी, इमिशन, मेटलनेस, इनको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो टेक्सचर बेसिकली मिल रहा है, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये वाला हमारा है और उसके ऊपर ये वेरिएशंस का है। आप चाहो तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि जो वेरिएशंस वाला है ना इसका सिर्फ कलर चैनल को ले लो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सारे चैनल को ऑन करके रखोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको एक बहुत ही बेकार सा इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए बेस कलर में हमने हाइट मैप को डाला हुआ है और जो वेरिएशन वाले है उसमें भी हाइट मैप को डाला है, तो दो हाइट मैप से क्या होता है वो टेक्स्चर को ख़राब कर देता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि जो वेरिएशंस में आप सिर्फ कलर मैप को ही यूज़ करें। अभी हमें करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसका भी स्केल को बढ़ा देता हूँ, लाइक 3 तक रख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें यहाँ पे जाना है, क्लिक करेंगे, पहले ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए, क्लिक, ब्लैक मास्क, राइट क्लिक, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे ऐड फिल कर लेते हैं, ऐड फिल हो गया। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ग्रे स्केल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं कोई एक ग्रंज मैप को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ग्रंज मैप क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का एक वेरिएशन क्रिएट करता है। तो अगर हमने यहाँ पे दिया और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कॉन्ट्रास्ट और बैलेंस को। अभी आप देख सकते हैं हुआ क्या है कि ये बेसिकली हमने जो पहला लेयर लिया था इसके ऊपर इसने क्या किया है, दूसरे वाले लेयर का एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये वेरिएशन हमारा क्रिएट हो गया। हम लोग चाहे तो इसी को थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक नया लेयर ले लेता हूँ और इसका ही बेस कलर मैं इसके ऊपर डाल लेता हूँ, ठीक है। वापस इसको मैं 3 कर लेता हूँ। अभी क्या करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से ऑप्शन आता है लेवल्स का, लेवल्स में मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा डार्क हो गया। अभी जस्ट इस पर ब्लैक मास्क, एड फिल, ग्रे स्केल कलर, इसमें हम लोग जाएंगे और वापस से कोई दूसरा वाला जो इस तरह का ग्रंज मैप है वो डाल लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने ये वाला यूज़ किया था, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएशंस आ गया। क्योंकि अगर आप सही मायनों में देखें तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं सनलाइट के एक्सपोज में होती है, वेदर के एक्सपोज में होती है, तो उसमें क्या होता है हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ बिल्डिंग्स के कुछ मैंने यहाँ पे इमेजेस हैं, और ये देख लीजिए कोलकाता के, हमारे मेरे अपने शहर कोलकाता के कुछ बिल्डिंग के इमेजेस हैं यहाँ पे। होता क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, तो अभी अगर आप इस जगह को देखें तो आप दूर से अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं भाई ये जो बिल्डिंग का जो कलर है ये कह सकते हैं कि ब्राउन कलर का, आप कह सकते हैं दूर से देखने को लगे कि ये ब्राउन कलर का है, बट अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें कई तरह के वेरिएशंस आपको दिखाई देखने में नजर मिलेंगे।
ठीक है, आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कई तरह के वेरिएशंस मिलेंगे, लाइक थोड़ा सा कुछ जगह लाइट है, कहीं कुछ डार्क है, कहीं कोई मिड टोन में है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो एरियाज जो होते हैं कि वो सन और वेदर के एक्सपोज में आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वो वेदर एंड सन के ऊपर। तो क्या होता है, ये लोग बारिश को झेल रहे हैं, सूरज की लाइट को झेल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ जगह से कलर वॉश्ड आउट हो जाता है, कुछ जगह कलर डीप हो जाता है, कुछ जगह पे पानी के जो दाग होते हैं, ग्रंजेस, दाग धब्बे, वो पड़ जाते हैं। तो इस तरह से कलर क्या होता है, कलर में कई तरह के वेरिएशंस आ जाते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई आप दूर से आप देख के बोल सकते हैं भाई ये तो रेड कलर की बिल्डिंग है, बट ये रेड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कई तरह के आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह डीप है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा लग रहा है, कुछ जगह ब्लैक ब्लैक सा धब्बा पड़ रहा है। तो इस तरह की क्या होती है कि चीज़ें होती हैं कि जब आप इन्वायरमेंट को टेक्सचर करते हैं, किसी बिल्डिंग को, इन्वायरमेंट को जब आप टेक्सचर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक टेक्सचर पे हम लोग नहीं चिपके हुए रहते, हम लोग को मल्टीपल टेक्सचर्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे ये बिल्डिंग आप देख लीजिए, दूर से आपको ऐसा लगेगा देखने में कि ये तो बिल्कुल वाइट कलर की है, बट अगर आप गौर करेंगे तो इसमें भी आपको कई तरह के वेरिएशंस आपको दिखेंगे, वाइट में भी कई तरह के वेरिएशंस आपको इसमें दिख जाएंगे। तो सेम काम मैं यहाँ पे भी करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कई तरह के वेरिएशंस हमें मिल गए हैं, कहीं कुछ बिल्कुल डार्क टाइप का है, कहीं कुछ काले काले दाग धब्बे से हैं, और यहाँ पे कुछ अलग तरह के कलर्स हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएशंस बना सकते हैं। और अगर कोई एक वेरिएशंस आपको बहुत ज़्यादा डीप लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल काम, उसका ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दे, ताकि वो क्या होगा, वो मर्ज हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में क्या किया है, एक इन्वायरमेंट का एक छोटा सा मॉडल को मैंने यहाँ पे टेक्सचर कर दिया, बेस कलर लिया, उसमें मैंने मेगा स्कैन के कुछ टेक्सचर्स को डाउनलोड किया मेगा स्कैन से, ठीक है, मैंने डाउनलोड किया, इन्हें यहाँ पे प्लग किया, और उसके बाद एक वेरिएशन लिया, उसमें हमने एक टेक्सचर को प्लग कर दिया, और इस वाले में क्या किया, हमने सिर्फ कलर को ही यूज़ किया, बाकी सारे को हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। और बाद में इसको ही कॉपी करके हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसके लेवल्स को एडजस्ट किया, थोड़ा सा डार्क टोन में कर दिया। आप चाहो तो इसको लाइट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डार्क को ही प्रिफर करूँगा, मैंने इन्हें यहाँ पे डार्क में कर दिया, और हमारा टेक्सचर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये होता है तरीका मेगा स्कैन्स को यूज़ करने का, किस तरह से मेगा स्कैन्स को यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप जितने भी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं गेम्स में या फिर VFX में, मैं सबसे यही बात कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके मेगा स्कैन में अपना एक अकाउंट बना लो, फ्री है, एपिक गेम्स के थ्रू साइन करना, फ्री अकाउंट आपको मिल जाएगा, और जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को अपने काम में यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल वे होता है टेक्सचर करने का। बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जो नए नवेले लोग होते हैं या जो ज़्यादा जानकार नहीं है, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को लेकर वो यूज़ करते रहते हैं। तो इसमें हर वक्त हमें क्या होता है कि एक जैसा टेक्सचर्स नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है, टेक्सचर्स का एक लिमिटेशंस है, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स इट, आज का वीडियो मैं यहीं तक ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को भी सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी डाउट्स है बेझिझक आप पूछ सकते हो। अब रोज़ रोज़ बोलने का क्या है, आपको तो पता ही है कि आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट्स करके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बस आते हो, वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये किसी इंस्टीट्यूट में भी आपको नहीं सिखाई जा रही है इतना डिटेल में, मुझे नहीं लगता, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।